12 बज गए हैं, 1 बज रहा है, 1 बजे एक्चुअली ऑर्डर करते करते ओनली वेज ऑर्डर करते करते काफ़ी टाइम हो गया। हम लोग एक मूवी लगाए हैं, देख रहे हैं थ्रिलर, जाइए ले आइए। और इसके अंदर हमारे लिए कुछ आया है बहुत ही स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्री, तो देखते हैं क्या होगा। मेरा नेल पेंट एक्चुअली पता है एक नेल का बॉटल फूट गया, तो उसको उठाने में पूरा इस पे नेल पेंट लग गया। ये देख सकते हैं कितना प्यारा नेल पेंट मैंने किया था, इसके ऊपर ही मुझे ये वाला लग गया। शिट, वो सोच रहा था अभी ये बाथरूम में ही है। मैं यहाँ पे देख रही एकदम थ्रिलर मूवी साउथ इंडिया। तो शॉप का नाम बता दो, शॉप का नाम क्या है लड्डू? तो यहाँ पे आया है मलाई चाप, बहुत ही प्रिटी सा, उसके अंदर भी कुछ है। और हम लोगों ने बोला था चटनी थोड़ा एक्स्ट्रा दे दीजिए, क्योंकि हम लोगों को चटनी बहुत पसंद है। तो यहाँ चटनी आई है, और ये है कुछ कॉम्प्लीमेंट्री अभी तक अच्छा गुलाब जामुन आया है हमारे लिए। जो भी हम लोगों ने जहाँ से मंगाया है उसका नाम हम यहाँ मेंशन कर देंगे। लेकिन कुछ क्या था लड्डू, बाई बटर चिकन कुछ था ना, लेकिन वेज प्योर वेज हम लोग मंगाए हैं। गोंकला था, मैं नाम बता रही हूँ आपको, गोयला बटर चिकन से, लेकिन प्योर वेज है। ओ शिट, ये कैसा फोटो लगा हुआ है यार, बड़ा अजीब सा ये। स्टार्ट करते लड़ो। उसके बाद गाइस हमारे घर पे ना सत्यनारायण भगवान की कथा थी, तो यहाँ पे जो पैर दिख रहा है वो भैया भाभी का है। तो वो लोग घर में आरती दिखा रहे थे, आरती का टाइम था तो कॉल आया था, तो यहाँ पे हम लोग आरती ले रहे थे। सुबह सुबह में ही कितने बजे पूजा हो गया था, 5 बजे हो गया था, नहा धो 5-6 बजे हुआ था। यहाँ पे छुटकी को देख सकते हैं, मतलब दांत नहीं है बट फिर भी चाची तभी आ गया पोटी वोटी करके। अभी इसको कर दिया मैंने रेडी, आज इनका 2 छुट्टी ऐसे हुआ है, बाकी टाइम 2 छुट्टी थोड़ा अलग होता। तो अब बेड़िया लग गया ना, तो ये मस्त एकदम खिड़की पे देखेंगी। बबू पैंट पहनो, पैंट कितना स्टार्ट हो गया है। और हमारी घर की मालकिन, मालकिन हम अपने घर के मालकिन है, सफाई करते हुए घर की, क्योंकि भाई घर मेरा है, क्योंकि सावन तो अभी चल ही रहा है, मालूम है हम कितना मेहनत से लिए हैं भाई। हाँ, तो इन लोग इनको तो सब कोई रील में देखता होगा, रील में कैसे कैसे क्या करती है, अच्छा अच्छा ड्रेस पहन के। लेकिन लेकिन गाइस पता है एक चीज हमको आप लोग का अच्छा लगता है कि आप लोग ये कभी कमेंट नहीं करते तुम दिन भर करती क्या हो। ये आता था स्टार्टिंग में आज से 2 साल पहले ना लड्डू। हाँ, ये मुझे कोई नहीं करता है कि खाली वीडियो बना रही हो, काम नहीं कर रही हो। तो ये चीज मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि आप सबको पता है कि भाई कितना काम हो सकता है मेरे घर पे। तो ये मुझे पता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप इसको वो नहीं करते। चलिए इधर तो क्लीन हो चुका है थोड़ा सा। स्क्रॉच बाइट को धुलते हुए किसको देखे हो आप? स्क्रॉच बाइट भी धुल रहे हैं, क्योंकि सब पूरा तेल चिपक गया, लेकिन मेरा काम इससे ही हो पाएगा। चलिए इसमें विम बार भी लगा के धुलते हैं। गैस चिमनी तो लगा ली है, लेकिन उसको क्लीन करना भी बड़ा टास्क है। तो यहाँ पे और नीचे जो है ना, ये साफ ही वो हो रहा है, धुलने वाला है। तो आज हमारा आधा दिन सफाई में निकल जाएगा। अभी इसके बाद गैस दरी वरी जो भी हम बिछाते हैं ना, मैट कालीन, वो धुलना है। तो अभी ऊपर है वो, और दो दो है कालीन मेरा, क्योंकि आप सबको पता है कि पूजा है। पापा मोबाइल इधर ही बेटा, मोबाइल कहाँ है? उधर है, इसको पहले हम करेंगे, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ऑयल है। पापा पापा मोबाइल कहाँ है? तो इस बहुत ज्यादा ही इसमें गंदा हो गया है, क्योंकि गंदा नहीं हुआ है, सारा ऑयल है। तो ऑयल कम होना ही था, मेरी बेटी अब सोएगी। आज का लुक इनका देख लीजिए आप लोग,
ओहो बाकी अभी घर से आने वाले हैं मम्मी पापा और भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। अरे यार हाथ दर्द हो गया। एवरीवन तो आज खाने में क्या है स्पेशलिटी की मम्मी? आपसे बात ही नहीं कर रहा। सुबह से ये इंसान ये लड़के सुबह से लड़ रही है मुझसे। अब लोग बोले कंटेंट के लिए लड़ रहा है क्या, लेकिन हम सही में आपसे गुस्सा हैं। क्यों गुस्सा हो भाई? गुस्सा तो मुझे होना चाहिए। हर चीज में आपको प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम तो सबको होता है भाई। अच्छा ठीक है सॉरी। हाँ ऐसा होता है। हाँ बोलो क्या बोल रही थी। लेकिन गाइस हमारा लड़ाई 5 मिनट में खत्म हुई। 5 मिनट तो नहीं, 5 मिनट हो गया। हाँ 5 मिनट में खत्म हो गया। तो आज हमारे घर पे बन रहा है इडली क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है और आज संडे है तो आज हम लोग संडे बना संडे को आज लोग पूरा फुल डे खाना पीना पे खाएंगे। इडली के बाद हम लोग क्या खाएंगे लड़ो डिनर में लंच में? सांभर राइस। नहीं नहीं क्या खाएं? इडली के बाद क्या खाएंगे बोलो? अभी खिचड़ी बेटा खिचड़ी बनेगा बेटा बेटी के लिए। हम लोग के लिए क्या बनेगा? सांभर राइस। क्या खाना है आपको? बोलिए। रात में खाया जाएगा वो कप। हम लोग बनाएंगे अभी मसाला डोसा खा करके फटाफट से निकलेंगे लोग। तो कैसा रहा आपका दिन आज लड्डू? आज थोड़ा सफाई हुआ है। पता नहीं ये सीजन ऐसा है क्योंकि मेरे को याद है जब मैं रेंट वाले घर पे भी रहती थी ना तो वो मक्खी आ जाती थी। ये आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा होगा मैंने पूरा सर्फ लगा लगा के इसको धो लिया था बट फिर मक्खी आ गई इधर भी आ गई। क्योंकि तो मैंने अभी अपना विंडो भी बंद कर दिया है क्योंकि ये मेरी एक भाभी है यहीं पे तो वो भी बोलती है कि इस सीजन में आ जाता है। तो मेरे को अभी ध्यान आया मैंने रूम फ्रेशनर मार दिया है लेकिन वो छोटी छोटी मक्खी ना उड़ रही है। तो इसका अगर कोई इलाज है जो बैंगलोर में रहता है उनको मालूम होगा मैं किस मक्खी के बारे में बात कर रही हूँ। एकदम छोटी सी होती है जो उसके बारे में बात कर रही हूँ तो आप लोग बताइएगा। और लड्डू के पापा आज बोल रहे थे लोग तुम्हारा फेवरेट लहसुन आ गया काम बन जाता है। तो इडली के साथ क्या बनाओगी? चटनी बना रहे हैं। सोचा था सांभर बनाया। ठीक है क्या बनाना? इडली चटनी सांभर चावल खाया जाएगा दिन में। इडली चटनी बनेगा तो कुछ और हम लोग खा देगा दिन में क्या? गाइस पता नहीं मेरे को बैगन का चोखा खाने का बहुत मन। अब मम्मी आएंगी तो मम्मी से बनाएंगे बैगन का चोखा। तो पहले से बोल दे रहे हैं कोई ये ना बोले कि आके काम कर रही है। वो काम करती हैं तो मेरे को बोलता है लोग, नहीं करती हैं तो उनको बोलता है लोग कि वहाँ बैठ के आराम करने गई हैं। जब जाती हैं तो बोलता है लोग कि अच्छा। मेन बात है कि बड़ों से काम नहीं करवाना है पहले कोई भी हो क्योंकि वो लोग तो वहाँ पे काम करता ही है। यहाँ पे आके एटलीस्ट रिलैक्स हो तो सही रहेगा। वैसे कढ़ाई में तेल नहीं डाले लहसुन डालनी है क्योंकि अभी जस्ट थोड़ा सा वो करके छील के फिर इसको कढ़ाई को सुखा लेंगे। मेरा जो इडली का चटनी है ना गाइस बहुत सिंपल है एंड आप लोगों ने इतना मेरे साड़ी वाले लुक को इतना प्यार दिया ना मतलब पता नहीं मैं जब भी साड़ी पहनती हूँ आप लोग सब लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए आज फिर मेरे को एक साड़ी पहनना है उसका ब्लाउज तो स्टिच नहीं था लेकिन दूसरे ब्लाउज के साथ पेयर करके पहनूंगी। तो जो भी नेक्स्ट आएगा साड़ी आप समझिएगा कि उसका ब्लाउज नहीं है। अगर होगा तो मैं बता ही दूंगी वीडियो में। ब्लू कलर की साड़ी है लेकिन उसका ब्लाउज स्काई ब्लू ऐसा टाइप का है और मेरे पास स्काई ब्लू का है ही नहीं। जो ब्लाउज है उसको भी मेरे को फिटिंग कराना पड़ेगा तब जा करके वो हो पाएगा। तभी देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो साड़ी है वो भी एकदम प्योर शिफॉन टाइप की साड़ी है बहुत अच्छी साड़ी है। तभी देखते हैं आई होप कि गाइस मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ और मेरे साथ ये हर रोज होता है। सो जा मेरी गुड़िया तू सोए काहे ना। और ये संडे को अपने मूवी देख रहे हैं। जैसे ही हम रेडी होते हैं ना मेरी याद आता है रोना थोड़ा स्टार्ट। ये सुपर मारियो गॉन्स मूवी देख रहा है। आप ओपन
कीजिएगा। ओपन कर रहे हैं बेटा, प्ले कर रहे हैं। स्टार्ट कीजिए। प्ले करना। स्टार्ट कर दीजिए। ओके, वी विल स्टार्ट इट।